हाय, दिस इज मानव, सुपर मानव। और मार्वल ने कल व्हाट इफ का ट्रेलर ड्रॉप करा और उसमें काफी फैसिनेटिंग स्टोरीज हमें दिखाई जाएंगी। सो इधर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस सीरीज से क्या क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं और साथ ही साथ इन एपिसोड की स्टोरी और इनके नाम भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डाइव इन टू इट। तो मार्वल का ये व्हाट इफ है क्या? ये व्हाट इफ एक कॉमिक बुक सीरीज है जो कि 1977 से 1984 आई थी और उसके बाद इन्होंने इसकी सेकेंड वॉल्यूम निकाली 1989 से 1999 तक। और उसके बाद 2018 में भी ये व्हाट इफ सीरीज वापस आई और 11 पब्लिकेशंस करी। और इस व्हाट इफ सीरीज में शुरुआत इसका मेन कैरेक्टर स्पाइडरमैन था और उसकी काफी सारी व्हाट इफ वर्जन्स है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि व्हाट इफ स्पाइडरमैन जॉइंड फैंटास्टिक फोर, व्हाट इफ ग्वेन स्टेसी लिव्ड, और ऐसे ही बहुत सारे व्हाट इफ्स हैं। तो जो मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब डिज्नी प्लस का लॉन्च हुआ तब उन्होंने एक तब बताया कि हम व्हाट इफ एनिमेटेड सीरीज पे काम कर रहे हैं और इससे फैन काफी एक्साइटेड हो गए। और पिछले साल हमें व्हाट इफ का टीजर देखने को मिला है और इस साल हमें उसका प्रॉपर ट्रेलर देखने को मिला है। इसका सीजन टू अब पोस्ट प्रोडक्शन में चल रहा है। तो सोचो मार्वल कितना आगे है। सीजन वन रिलीज नहीं हुआ और सीजन टू पोस्ट प्रोडक्शन में कर दिया। डीसी कुछ सीखो। तो अब इस सीरीज के एपिसोड्स के बारे में बात करते हैं। मैं इन एपिसोड्स को बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्डर में तो नहीं लगा सकता, पर जितना मैंने देखा मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। व्हाट इफ आयरन मैन डिडंट बिकम आयरन मैन, या फिर व्हाट इफ टोनी स्टार्क वाज सेव्ड बाय किलमोंगर। तो जो कल ट्रेलर आया उसमें हमें दिखाया गया है कि जो टोनी स्टार्क है उसके बिल्कुल सामने जब बम आ जाता है और वो बम फटने से पहले ही किलमोंगर उसे फेंक देता है और किलमोंगर और टोनी स्टार्क दोस्त बन जाते हैं, जिसकी वजह से तो अब जो किलमोंगर का मिशन है उसमें टोनी स्टार्क भी उसकी हेल्प करेगा। और तभी हमें वकांडा में किलमोंगर के फाइट सीन में कुछ एंड्रॉइड्स भी दिख रहे हैं और वो प्रोबेबली टोनी की ही टेक है। व्हाट इफ एन इविल डॉक्टर स्ट्रेंज एग्जिस्ट। तो इसमें क्या होगा, जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है वो मेन टाइमलाइन से हटके ये एक अलग डॉक्टर स्ट्रेंज है, उसका एक अलग वेरिएंट है और इस वेरिएंट ने अपना ट्रू लव खो दिया है, इसलिए अब ये बहुत ज्यादा बावला हो गया है और अब ये उल्टे काम करना स्टार्ट कर देता है। ये इतने उल्टे काम करता है कि ये एंशंट वन से लड़ पड़ता है। और उसके बाद इस सीरीज का सबसे फैसिनेटिंग एपिसोड जो कि है व्हाट इफ अचाला वो स्टार लॉर्ड। और इस एपिसोड में तचाला का रोल खुद लेट मिस्टर चैडविक बोसमैन प्ले कर रहे हैं। तो इस टाइमलाइन में क्या होगा, जो अपना पीटर क्विल है उसकी जगह योंडू तचाला को उठा लेता है अर्थ से और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी नहीं, वो खुद को सैवेजर्स बुलाते हैं। व्हाट इफ ब्लैक विडो इन्फ्रारेड्स हल्क प्रोजेक्ट। तो इस टाइमलाइन में क्या हो रहा है, जो रेड जूम है वो कभी बंद ही नहीं हुआ, इसलिए ब्लैक विडो अभी भी रेड जूम की मेंबर है और वो हल्क प्रोजेक्ट में भी शामिल है। हल्क को हल्क बनने में ब्लैक विडो का भी थोड़ा बहुत हाथ था। और उसके बाद हमें इस सीरीज में पार्टी थॉर देखने को मिलता है और उसके बाद हमें इस सीरीज का एक एपिसोड देखने को मिलता है जिसका नाम है व्हाट इफ एगी कार्टर वॉज कैप्टन ब्रिटेन। और इस एपिसोड में हमें पता चलेगा कि जो हॉगवर्ट्स स्टार्क हैं वो अभी आयरन मैन हैं। और एक पॉइंट पे ये सारे एपिसोड एक साथ कोलिजन भी करते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे मार्वल वाले तो कह रहे हैं कि ये सब स्टैंड अलोन एपिसोड होंगे, पर मैं मार्वल पे भरोसा नहीं करता, वो कुछ भी बोले ये सारे एपिसोड एक साथ कोलाइड तो जरूर करेंगे। और इसमें एक और बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी कॉमिक से, वो है मार्वल ज़ॉम्बीज। और इस सीरीज में एक एपिसोड तो ऐसा भी है जिसमें हम पता चलेगा व्हाट इफ द एवेंजर इनिशिएटिव नेवर हैपेंड। तो अगर एवेंजर्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा, मैं बताऊं, गार्डन ऑफ द गैलेक्सी होंगे और इनके मेंबर्स भी काफी अलग है, जैसे पार्टी थॉर। ये थॉर को कभी अपनी जिम्मेदारी पता ही नहीं चली, ना ही इसको 9 GM का ध्यान था, इसीलिए ये वर्जन थॉर का काफी निकम्मा वर्जन है अपने मेन थॉर से। तो सो हमें ये भी देखने को मिलेगा। और इसमें एक और एपिसोड व्हाट इफ बकी बांस फॉट कैप्टन अमेरिका ज़ॉम्बी। और मैं तो चाहता हूँ कि इसमें हॉवर्ड द डक का एक एपिसोड तो दो यार, काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है उनके लिए। तो अब बात करते हैं इस सीरीज की कास्ट की। तो इस सीरीज की कास्ट कुछ ऐसी है, लेट मिस्टर चैडविक बोसमैन एस तचाला, हार्ले एटवेल एस कैप्टन पेगी कार्टर, जॉश ब्रुलिन एस थानोस, डेविड जॉश मेंचिन एस कर्ट, माइकल डगलस एस हैंक पिम, कैरन गिलन एस नेबुला, जेफ गोल्डबम एस ग्रैंड मास्टर, सीन गन एस क्रैगलिन, क्रिस हेमस्वर एस थॉर, टॉम हिडलस्टन एस लोकी, डिजिमोन हॉन्सर प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, सैमुअल एल जैक्सन एज निक फ्यूरी, टोबे जोन्स एज आर्मिन जोला, माइकल बी जॉर्डन एज एरिक किलमोंगर, नील मैकडोनल्ड एज डम डम डुगान, नेटली पोर्टमैन एज जेन फोस्टर, जेरेमी रेनर एज
क्लिंट बार्टन, माइकल रुकर एज योंडु, उटंटा पॉल रोड एज एंटमैन, मार्क रफेलो एज ब्रूस बैनर, सेबेस्टियन स्टेन एज बकी बार्न्स, क्रिस सुविलियन एज टेजर फेस, स्टैनली टूची एज डॉक्टर अब्राहम एस्काइन एंड टाइका वाटिटी एज कॉर्क। इस सीरीज से बस तीन नाम मिसिंग है और वो है ब्री लार्सन एज कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका एज क्रिस एवांस और रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज आयरन मैन। ये तीनों अपने रोल के लिए वापस नहीं आ रहे इस सीरीज में, और उसकी माने तो इनकी कुछ डेट्स मिसमैच हो रही थी इसीलिए वो वॉइस डबिंग के लिए नहीं आए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।